दोस्तों आज पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ है और हो भी क्यों ना, चाहे इकोनॉमी की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की या फिर मिलिट्री पावर की, भारत हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2030 तक भारत जीडीपी के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ देगा। वहीं एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2050 तक भारत की इकोनॉमी अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए 44.1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। हालांकि तब तक चीन की इकोनॉमी 58.5 लाख करोड़ डॉलर और अमेरिका की इकोनॉमी 34.1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। यानी भारत चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश होगा। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना बेहद जरूरी है। आज हम आपको भारत के टॉप 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश की तस्वीर बदल देंगे। चलिए जानते हैं और बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। नंबर 1, भारत माला प्रोजेक्ट। दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी देश की प्रोग्रेस का अंदाजा वहां की सड़कों को देखकर लगाया जा सकता है, इसलिए हाईवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री की मेन प्रायोरिटी है। इसलिए केंद्र सरकार ने 31 जुलाई 2015 को भारत माला प्रोजेक्ट या फिर कहें कि भारत माला योजना शुरू की थी। भारत माला प्रोजेक्ट भारत सरकार के सड़क परिवहन का एक मेगा प्लान है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने देश भर में एक मजबूत हाई स्पीड रोड नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाई है। यह परियोजना गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर पंजाब की ओर चलेगी। इसके बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बारी आएगी, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में भारत म्यांमार बॉर्डर तक सड़कें बनाई जाएंगी। भारतमाला के पहले चरण में 550 जिले कवर होंगे। अभी सिर्फ 350 जिले से नेशनल हाईवे गुजरते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 34 जिलों में सड़कों में लेन बढ़ाई जाएगी, जबकि 35 शहरों में लॉजिस्टिक पार्क एस्टैब्लिश किए जाएंगे। इसके अलावा 700 जगहों पर सड़क किनारे यात्री सुविधाओं यानी कि रोड साइड एमिनिटीज के निर्माण का टारगेट भी रखा गया है। इसके अलावा प्रोग्राम के तहत 44 नए आर्थिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें दिल्ली से लखनऊ, अमृतसर से जामनगर, आगरा से मुंबई, रायपुर से धनबाद, लुधियाना से अजमेर, संबलपुर से रांची, खड़गपुर से सिलीगुड़ी, सागर से वाराणसी, दिल्ली से कानपुर, सागर से लखनऊ और जयपुर से इंदौर मेन कॉरिडोर्स हैं। भारत माला के तहत 65 इंटर कॉरिडोर के अलावा 115 फीडर सड़कों का निर्माण भी होगा। प्रोजेक्ट में मेन शहरों में रिंग रोड के कंस्ट्रक्शन का भी प्रपोजल है। इसमें दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, पटना, रांची, धनबाद, इंदौर और जयपुर के नाम शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कानपुर लखनऊ, दिल्ली अमृतसर कटरा, दिल्ली जयपुर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नाम भी शामिल है। जरा भारतमाला प्रोजेक्ट के इस नक्शे को देखिए। 2 एक साथ जुड़े हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर्स, फीडर रूट्स, एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय हाईवे को रिप्रेजेंट करता है। भारतमाला प्रोजेक्ट को 2 फेज में बांटा गया है। पहले फेज को पूरा करने की समय सीमा 2017 से 2022 तक थी, लेकिन लागत ज्यादा होने, लैंड एक्विजिशन और कोविड के कारण प्रोजेक्ट में देरी हो गई है। ICRA रेटिंग एजेंसी के अनुसार अगर 2023 तक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं तो फेज 1 पर काम फाइनेंशियल ईयर 2026 तक पूरा हो जाएगा। पहले फेज के लिए दोस्तों परियोजना की लागत बढ़कर 8.5 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। दूसरा चरण 2024 से शुरू होना था, लेकिन पहले फेज में हुई देरी के कारण कुछ कहा नहीं जा सकता। भारतमाला के तहत हाईवे की कुल लंबाई करीब 51,000 किलोमीटर तक की होगी। इसके पहले चरण में 34,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। भारतमाला के फेज 1 में 24,800 किलोमीटर नए हाईवेज और 10,000 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन सड़कें शामिल हैं। दरअसल ये अंडर कंस्ट्रक्शन ब्लॉक तत्कालीन नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अधूरे रह गए। और दिलचस्प बात यह है कि भारतमाला प्रोजेक्ट सागरमाला प्रोजेक्ट के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसका पर्पस भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए जल मार्गों और समुद्र तटों की एफिशिएंसी में सुधार करना है। नंबर 2, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों भारतीय रेलवे की सबसे ज्यादा कमाई माल ढुलाई से ही होती है, लेकिन रेल लाइनों पर कंजेशन के कारण मालगाड़ियां काफी देरी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाती हैं, क्योंकि देश में अभी मालगाड़ियों और पैसेंजर्स गाड़ियों को एक ही ट्रैक पर चलाया जाता है। अब अगर किसी पैसेंजर गाड़ी को पास करना हो तो मालगाड़ी को घंटों रोक कर रखा जाता है, इससे माल पहुंचने में देरी होती है। ऐसे में रेलवे की सर्विसेज का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां माल पहुंचाने के लिए दूसरे तरीकों का सहारा लेने लगी हैं। जी हां दोस्तों, इससे रेलवे का रेवेन्यू घटने का खतरा बढ़ने लगा है और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम कर रहा है। इससे पहले देश में इतना बड़ा फ्रेट कॉरिडोर नहीं बनाया गया। रेलवे 2 कॉरिडोर बना रहा है जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत बन रही रेल लाइनों पर मालगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो यह लुधियाना से शुरू होगा और इसके बाद अंबाला, टुंडला, कानपुर, मुगलसराय और कोमहो होते हुए दानकुनी जाएगा। वेस्टर्न कॉरिडोर की शुरुआत खुर्जा से होगी और यह दादरी, रेवाड़ी,
मेहसान, सूरत और वसई रोड होते हुए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा। ईस्टर्न कॉरिडोर की कुल लंबाई 1839 किलोमीटर और वेस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई 1499 किलोमीटर की होगी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी। महामारी, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, अवैध कब्जों और लोकल प्रोटेस्ट के कारण इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी हो रही है। हालांकि दोस्तों, कई डेडलाइन पार कर जाने के बाद अब यह प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 90% काम इस साल दिसंबर तक कर लिया जाएगा। इसके कंस्ट्रक्शन में होने वाला अनुमानित खर्च भी 21,140 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.24 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह खर्च कई बहुत से छोटे देशों के जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। साथ ही बुलेट ट्रेन से यह थोड़ा सा कम, क्योंकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर करीबन 1.67 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नंबर 3, जेवर एयरपोर्ट। दोस्तों, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGIA घरेलू के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भारत के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है, जहां से हर रोज सेकेंडों की संख्या में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल की फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। करीब 5300 एकड़ में फैला यह एयरपोर्ट करोड़ों यात्रियों की कैपेसिटी रखता है। लेकिन यह यात्रियों के बढ़ते बोझ और बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली NCR में दूसरे इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया है, जो कि जेवर एयरपोर्ट के नाम से मशहूर है। हालांकि इसका रियल नेम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसके बनने से लोकल लेवल पर इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूती मिलेगी। बता दें दोस्तों कि यह प्रोजेक्ट ग्लोबल लेवल का है, जिसके पूरे होने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। जेवर एयरपोर्ट के लिए साल 24 जून 2022 को प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी टाटा प्रोजेक्ट्स को दी गई है। इसमें 3000 एम्प्लॉइज के साथ इंजीनियर्स की एक स्पेशल टीम भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। खास बात तो ये है कि ये सभी कर्मचारी साइट पर ही रहते हैं और दिन रात काम में ही लगे रहते हैं। इस एयरपोर्ट से देश विदेश यानी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल की फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। इस वजह से एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल बनाए जाएंगे और इन दोनों टर्मिनल के निर्माण को अलग अलग फेज में बांटा जाएगा। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो एक टर्मिनल में 2 फेज बनाए गए हैं। मोटा मोटा अगर कहें तो दोनों टर्मिनल्स में कुल 4 फेज होंगे और प्रोजेक्ट के तहत साल 2024 तक टर्मिनल 1 के पहले फेज में 1.5 करोड़ यात्रियों के कैपेसिटी के साथ एयरपोर्ट का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि बाद में दूसरे फेज में इसकी कैपेसिटी 3 करोड़ कर दी जाएगी और इसके साथ ही यहां पर फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी और यहां से देश विदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। वहीं अगर हम बात करें टर्मिनल 2 की, तो इसको 4 करोड़ लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से बनाया जाएगा, यानी हर फेज में 2 करोड़ की क्षमता बढ़ाई जाएगी। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 7 करोड़ लोगों की होगी। जी हाँ, इस एयरपोर्ट को करीब 3300 एकड़ में बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा की 37.5% हिस्सेदारी रहेगी, जबकि ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की 12.5%। नंबर 4, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर। दोस्तों, देश का पहला RRTS कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ के बीच बन रहा है। इसे बनाने का जिम्मा नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NCRTC को दिया गया है और NCRTC ने दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के दिल्ली सेक्शन में टनलिंग का काम पूरा भी कर दिया है। जल्द ही टनल के अंदर ट्रैक बिछाने और OHE यानी ओवरहेड इक्विपमेंट वायर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। NCRTC ने 2025 तक पूरे 82.5 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को शुरू करने का लक्ष्य रखा है। मेट्रो दिल्ली के सराय काले खान से शुरू होगी और मेरठ के मोदीपुरम मेट्रो स्टेशन तक खत्म होगी। इसके अलावा लाइन पर 22 स्टेशनों में से केवल कुछ को अंडरग्राउंड स्टेशनों के रूप में बनाया जा रहा है और इन अंडरग्राउंड स्टेशनों में आनंद विहार, मेरठ सेंट्रल, भैसाली और बेगमपुर शामिल हैं। बाकी सभी स्टेशनों का कंस्ट्रक्शन एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों के रूप में किया गया है। 82.5 किलोमीटर की कुल लंबाई में से 11.5 किलोमीटर मेट्रो ट्रैक अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। 22 में से 8 स्टेशन लोकल ट्रांजिट सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं। ट्रेन में दिल्ली से मेरठ मेट्रो लाइन तक कई प्रीमियम फीचर्स के साथ साथ दूसरे डिजाइन भी शामिल होंगे। हालांकि मेट्रो लाइन के किराए की घोषणा अभी नहीं की गई है। नंबर 5, नवी मुंबई एयरपोर्ट। दोस्तों, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ रहे बोझ को कम करने के लिए नवी मुंबई में अब नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। जी हाँ, जिसे अडानी ग्रुप तैयार कर रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि 2024 तक लोगों को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिल जाएगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नवी मुंबई एयरपोर्ट कितना बड़ा होगा उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2032 तक इसकी कैपेसिटी 9 करोड़ यात्रियों को संभालने की हो जाएगी।
यह एयरपोर्ट मेट्रोपॉलिटन रीजन में उल्फे में बनाया जा रहा है। बता दें 1990 में नवी मुंबई एयरपोर्ट के निर्माण की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसको गति 2000 में मिली और 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण की नींव रखी। ग्रीन एयरपोर्ट से पहचान बनाने वाला यह एयरपोर्ट पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त होगा। इसे ग्रीन कहने की वजह यह है कि इसके संचालन में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाएगा। हवाई अड्डे का डिजाइन भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की तरह है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट चार फेज में कम्प्लीट होगा और इसके दिसंबर 2024 तक पूरा होने की पूरी उम्मीद है। 1160 एकड़ में फैले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 16,700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही मुंबई दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला शहर बन जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये मेगा प्रोजेक्ट्स देश के विकास को नई रफ्तार दे पाएंगे? कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।